पकवान रेसिपी इन हिंदी। मैं आज अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बटर नान, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है बनाना। मैं इसे ना तो तंदूर में बना रही हूँ और ना ही ओवन में और ना ही किसी तावे पे। मैं इसे आपको प्रेशर कुकर में बनाकर दिखाती हूँ कितना इजी और कितना अच्छा हमारा बटर नान बन के रेडी होगा। तो बटर नान बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा 1 कप। हम मेजरिंग कप से फ्रेंड दिखा रहे हैं ताकि आपको बनाने में कोई ऐसा परेशानी ना हो। ये 1 कप मैदा है। अगर आप 1 kg मैदा को इस मेजरिंग कप से अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो 5 कप होता है। और डो तैयार करने के लिए गुनगुना वाटर 1/2 कप लेंगे। 1/2 कप मिल्क लेंगे गुनगुना। 2 tablespoons बटर लेंगे। साल्ट 1/4 teaspoon। ईस्ट 1 tablespoon। बेकिंग सोडा 1 pinch। 1/2 teaspoon शुगर। कोरिएंडर लीव्स, जो कि मैं अभी कट नहीं की हूँ क्योंकि हमारा डो तैयार करके 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है, इस वजह से मैं इसे बाद में कट करूँगी। बटर नान बनाने के लिए सबसे पहले हम ईस्ट को 10 मिनट के लिए मिल्क में ऐड करके हम उसे तैयार कर लेंगे डो बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। डो तैयार करने के लिए हम ईस्ट को फूलने के लिए 10 मिनट के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे जो कि गुनगुना होना चाहिए, और इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। ऐसे मिक्स कर लेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ईस्ट, और इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। कवर या तो कोई बर्तन या प्लेट से आप बराबर इसे कवर कर दें, नहीं तो इस तरह से प्लास्टिक सीट मिलती है मार्केट में आसानी से। ये अच्छी तरह कवर हो गया और इसे हम एक साइड में रख देंगे। जब तक हमारा ईस्ट रेस्ट कर रहा है तब तक हम डो का तैयारी कर लेते हैं। मैदा जो मैं पहले से इसे छान के रखी हूँ इसे ऐड कर देंगे एक बॉल में। बेकिंग सोडा, साल्ट, इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ईस्ट अच्छी तरह फूल चुका है। ये ऊपर बबल्स आ चुके हैं इसके। अभी हम इसके कवर को खोल लेंगे। इसे अच्छी तरह कवर करना फ्रेंड्स जरूरी है। इसके बीच सेंटर में हम एक जगह बना लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे जो हमारा ईस्ट रखा हुआ है। और इसी वक्त हम ऐड करेंगे बटर। बटर हमारा 1 tablespoon इसमें ऐड होगा और 1 tablespoon हम मेल्ट करके इसके ऊपर से लगाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसका एक सॉफ्ट डो बनेगा। अब इसमें जो हम गुनगुना वाटर लिए थे उसे ऐड करेंगे। मैं एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर ली हूँ। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए 2 से 3 घंटा के लिए छोड़ देंगे कवर करके। आप इसे ऐसे भी ढक के रख सकते हैं। इसे अच्छी तरह कवर कर दें ताकि इसका एयर बाहर ना निकले और ये अच्छी तरह से फूल जाए। इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे गर्म जगह पे रख दें या फिर धूप में भी इसे ले जाके 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। मैं तो इसे धूप में ही रख देती हूँ। 2-3 घंटे में ये अच्छे से ईस्ट जो है अपना काम कर चुका होता है और ये बिल्कुल फ्लफी और फूल सा किया रहता है और ये नान बनाने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। तो मैं 2 से 3 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। एक और तरीका है फ्रेंड, जब ठंडी का मौसम हो और जल्दी से आपका नहीं फूल रहा है
डो, तो उसके लिए आप क्या करें, तो एक बड़े बर्तन में आप पानी गरम ले लें हल्का गुनगुना, उसके बाद दूसरे बर्तन में डो को रख लें। ध्यान रहे ये तो प्लास्टिक का बर्तन नहीं होना चाहिए, अल्मोनियम या कांच या फिर स्टील कोई भी बर्तन रहे उसमें डो रख लें। उसके बाद से उसे कवर करके और गर्म पानी में हल्का गुनगुना में उसे रख दें, और ऐसे ही 2-3 घंटा तक गुनगुना पानी में अगर रहेगा, वो हल्का से नीचे से हीट मिलते रहेगा उसे, तो वो अच्छी तरह फूल जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी ऐसे करें आपको पसंद आएगा। तो मैं इसे 2-3 घंटा के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा फ्लफी और अच्छा बना हुआ है। तो 2 से 3 घंटे के बाद फिर से हम मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, हमारा डो अच्छी तरह रेडी हो चुका है नान बनने के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल डबल हो चुका है। इसे मैं 3 घंटे के लिए ऊपर धूप में रख दी थी, आप चाहे तो नीचे भी रखें, लेकिन ध्यान रहे कि ये गर्म जगह पे होना चाहिए, कूल जगह पे नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं अब खोल कर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल फ्लफी सा हो गया, आप देख सकते हैं। और इसका मैं डो बना लूंगी एक अच्छी तरह से, इस तरह मिक्स करके मैं इसे बॉल बना लूंगी। 5 पीस बॉल इक्वल साइज में मैं बना ली हूँ। कोरिएंडर है जो नान में फिल होगा तो बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा। मैदे का डस्ट ली हूँ कि इसके हेल्प से मैं नान को अच्छी तरह से फ्लैट कर सकूँ। थोड़ा हम वाटर ले लेंगे, नान को फ्लैट करने के बाद से हम जब कुकर में उसे ऐड करेंगे तो इसमें वाटर में पोर करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे कुकर में। तो मैं दिखाती हूँ आपको। बटर नान बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसे हीट कर लेंगे हाई फ्लेम पे। ध्यान रहे अगर आपका कुकर अच्छी तरह हीट नहीं होगा तो आपका नान अच्छी तरह नहीं बनेगा। 1 से 1.5 मिनट से ये हीट हो रहा है हाई फ्लेम पे, अभी और हीट होगा तब तक हम नान बना लेते हैं। नान बनाने के लिए अब इसे हम जो डो तैयार किए हैं उसे हम कोरिएंडर में ऐसे फिल कर देंगे, ज्यादा नहीं, बस हल्का हल्का ही। और इसे प्रेस कर देंगे कि इसमें अच्छी तरह चिपक जाए। उसके बाद हम इसमें मैदे का डस्ट लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको फ्लैट कर देंगे। ध्यान रहे है कि उतना ही फ्लैट होना चाहिए, नान थोड़ा मोटा होता है, ज्यादा पतला ना करें। इसी तरह हम सारे नान को तैयार कर लेंगे जब तक हमारा कुकर भी पूरी अच्छी तरह से हीट हो गया रहेगा। सारे नान को हम फ्लैट कर चुके हैं, अब वाटर में इसे पोर करके प्रेशर कुकर में ऐड करते जाएंगे, कुछ इस तरह से आप देखते जाइए। वाटर में पोर किए, ऐसे प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए। सारे नान को हम ऐसे ही वाटर में पोर करके प्रेशर कुकर में ऐड करते जाएंगे। जब अच्छी तरह ये चिपक जाए तो हम इसको ऐसे पलट देंगे हाई फ्लेम पे ही। इसे बस पलट पलट के हम देखते जाएंगे किधर नान हुआ है और किधर नहीं, उसका साइड चेंज करते जाएंगे, बस ऐसे घुमा घुमा कर। ये हमारा नान बन के रेडी हो चुका है, अब इसे हम प्रेशर कुकर से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा नान बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सॉफ्टनेस के लिए बटर ऐड करेंगे। सारे नान पे बटर लगा देंगे और इसे मलमल के कपड़े में लपेट कर साइड में रखते जाएंगे। और मैं इसे ज्यादातर बनाती हूँ मुर्ग मशल्लम पे। आप भी हमारे तरीके से ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगा। फ्रेंड्स, हमारा बटर नान बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और यमी बना है। आप इसे किसी भी ग्रेवी वाला रेसिपी मटन या चिकन के साथ आप सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मुर्ग मशल्लम के साथ सर्व की हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें फ्रेंड्स। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी अवेलेबल हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।